सच्ची आज मौसम इतना सही हो रखा है ना, रोज मैं व्लॉग स्टार्ट नहीं कर रहा था और सुबह सुबह इतनी ज़्यादा धुंध होती थी भाई, इतना ज़्यादा फॉग होता था और आज इतना प्यारा मौसम हो रखा है। लो भाई सनराइज़ देख लो तवा, चलते हैं फटाफट, एक मिनट का रास्ता है घर के पास ही है जिम। सो भाई जिम पहुंच चुके हैं और ये जो ऊपर देख रहे हो ना मैक्स फिट, यही है, तो चलते हैं अब। और भाई से बता दूं, जब से स्टार्ट करी है ना तब से भाई बॉडी इतनी पेन करती है ना मेरी, अभी हफ्ता भर ही हुआ होगा मेरे को स्टार्ट करे हुए और सच्चे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है अभी भी बॉडी में। तो चलते हैं अब जिम विम कर लेते हैं, थोड़ा कार्डियो नीचे करना है, फिर उसके बाद मेरे को ऊपर जाना है, तो भाई थोड़ा हाथ पैर हिला लेते हैं और उसके बाद मिलते हैं फिर, क्योंकि ऊपर गाने बज रखे हैं, कॉपीराइट आएगा और कुछ नहीं आएगा, ऊपर ही जाना पड़ेगा, मिलते हैं बाद में। भाई एक बात बता दूं, मैं लिटरली जिम ज्वाइन करना और जिम में आके भाई मेहनत करना सच्ची भाई बहुत अलग है भाई, शौक हो जाता है हमें भाई जिम ज्वाइन कर लेते हैं और भाई जिम में आके ना भाई पता चलता है भाई क्या है जिम, मतलब सच्ची बता रहा हूँ, एक हफ्ते से ऐसे बैंड बज रखे हैं ना मेरी, अब तो भाई बहुत बैंड बजे हुए भाई लिटरली। व्यू आ रहा है भाई छत पे आके बहुत तगड़े वाला, पहाड़ काफ़ी ज़्यादा पास है इधर से, मतलब पीछे का ही है एलपी वाले पहाड़ ही हैं और अपना घर इधर ही है मेरा, इसी पास में ही है तो जिम पास ही है। अभी इसके दिन नहीं आए मेरे को टायर पीटने वाले, तो अभी जो चल रहा है नीचे चलता है वर्कआउट, छत पे कम ही आता हूँ, छत पे बस वैसे ही टायर ही पड़ा हुआ है भाई यहाँ पे। तो भाई चल के नीचे थोड़ा सा और रनिंग कर लेते हैं भाई, उसके बाद फिर घर चलते हैं और आज ट्यूजडे भी है तो घर जाके फिर नहा के मंदिर चलते हैं भाई। और भाई सही में आज कसम से भाई बैंड बज गया आज, पता नहीं है मेरे को आदत कब लगेगी, 6-7 दिन में तो यार मतलब पेन भी, मतलब जिम ज्वाइन करके चला जाता है लेकिन अभी भी मतलब बॉडी काफ़ी ज़्यादा पेन हो रखी है। तो चलते हैं भाई नीचे, और वैसे भी अभी पसीने से हो के मैं वैसे टी शर्ट में ऊपर डोल रहा हूँ तो गलती है, तो चलते हैं भाई यार नीचे। अच्छा मैं अंदर अभी इंडोर में मैं ज़्यादा शूट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अंदर गाने बज रखे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं अंदर मैं शूट भी करूँगा तो कॉपीराइट आएगा फिर वीडियो में, तो इसलिए थोड़ा बहुत शूट करूँगा फिर निकलते हैं अपना घर की ओर। 2000 years later तो भाई अब चलते हैं घर पे, और अब घर से फ़ोन भी आ गया क्योंकि 9 तो यहीं बज गए, तो फटाफट अब बाय बाय करते हैं भैया को और चलते हैं। अरे यही जिम है, ठीक है भाई पीछे देख लिया, ज़्यादा शूट नहीं करूँगा, गाने बज रहे हैं अभी। 3 hours later सो गाइस भाई नहा वहाँ के ऑल सेट हो चुका हूँ, और भाई रही बात मेरे को जल्दी निकलना था मंदिर के लिए, तो जिम से आने के बाद यार मैं सो गया था और अब मैं उठ रहा हूँ 11 बजे, तो अब चलते हैं फटाफट जिम और उसके बाद भी एक काम है क्योंकि अभी मेरे को सर का फ़ोन आया तो अभी बाद में बता दूंगा, मंदिर रोक आते हैं फटाफट। और उससे पहले एक बार मैं रेट ले लेता हूँ 10 में से कितने मिल रहे हैं मेरे को, कहाँ पे है भाई, ओ रेडियो हो रहा है क्या भाई, फुल है, समझ गई थी क्या, 10 में से 10 समझ गई थी क्या, आवाज़ मेरे पूरे घर में गूंजती रहती है, तो ठीक है ना। पिंक कलर बाकी पता है क्यों पहनना मैंने, रोज डे, आज प्रपोज डे है, रोज डे, अच्छा हो हम सिंगल आदमी हमको पता नहीं है, मजाक कर रहा हूँ सरी बनने के लिए। तो भाई ऑल गर्ल्स हैप्पी रोज डे, एंड इन सबको साइड रखे ना, बजरंग दल वाले आदमी है, तो अब डंडा वंडा भी खरीदना और देखना पकड़ना आज कपल को जितने भी हैं, इनके मम्मी पापा को फ़ोन करके इनको कहूँगा देखो बंक मार के यहाँ घूम रहे हैं एलपी की साइड, ठीक है ना प्लानिंग। और नहीं अगर कहेंगे ना भैया मान जाओ 500 रुपये लेके, तो बिजनेस भी तगड़ा है, तो सही है भाई बिजनेस माइंड। तो चलते हैं फटाफट, ला भाई हम सब पैसे दे दे यार फूल खरीदने के लिए, फूल का मतलब वो भाई जो मेरे को मंदिर में चढ़ाना, और कोई फूल नहीं है ठीक है ना, फूल और प्रसाद देना फिर मंदिर जाना है। और क्या पे रुड़की में क्या है भाई, कुछ भी नहीं, हाँ शायद जा सकता हूँ मैं, सर का फ़ोन आया था अभी, हाँ कसम से भगवान कसम भाई यार यकीन ही नहीं करते रे भाई, कोई भी नहीं यकीन करता भाई, सर का फ़ोन आ गया, कैमरे में दिखा दो फटाफट जल्दी 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 हट जाट जाट, सर का फ़ोन आ गया भाई देखो ठीक है, दिख गए रुड़की सर, तो सर का परेशान करो सर को, मेरे को कोई लेना देना नहीं, सर को परेशान करो, बात कर लेता हूँ 1 hour later सच्ची बताइए टिक्का लगा के लगता नहीं का शरीफ हूँ बिल्कुल, मतलब लड़के दिख गए तो कहते ना वो थोड़ी में। मैं नहीं फैन होता किसी का और सब, हाँ हाँ मेरे फैन हो जाते हैं। तो रही बात मंदिर से होकर आ गया था, सर का फ़ोन आया था तो मेरे को जाना है भाई अब कॉलेज, और कॉलेज भी भाई सच्ची बताऊँ ना मैं सेकंड टाइम जाऊँगा, एक बैकग्राउंड बहुत तगड़े वाला आ रहा, जूते दिख रहे सारे, तो वहाँ से जाके मेरे को कुछ साइन वाइन करने हैं फॉर्म पे, और एडमिट कार्ड लेके आना है और बुक्स लेके आनी है अपनी, और चलते हैं अब थोड़ा भाई पढ़ने पर ध्यान देते हैं अपना, और
जल्दी चलेंगे, जल्दी आ जाएंगे। ज़्यादा देर मैं कॉलेज के अंदर जाता हूँ ना, मेरे को सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम हुआ है, सच्ची बता रहा। तेरे साथ हो ऐसा कभी? ये क्या ले रखा है, इसे उल्टा कर दे, उल्टा कर दे इसको। ये मस्त लगा है। सैड नहीं हो। हाँ जी बाबा जी, हेलमेट हेलमेट, हाँ ले लो हेलमेट। क्या हो गया चल? क्या नाम बताया था? तो भाई हम कॉलेज आ चुके हैं और ये रहा सर यहाँ का, फ्रॉडी आदमी है, फ्रॉड काम करवाया मेरे से। तो भाई ये कॉलेज एक बार दिखा दूँ मैं, फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं यहाँ पे। बुक्स लेंगे और सदे निकल लेंगे, मेरे को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो यहाँ से, ऑक्सीजन की कमी। क्या नाम बताया था? संदीप सर से बुक लेनी है। 2000 years later. So guys, भाई घर आ चुका हूँ और लास्ट सीन आपने देखा होगा, कॉलेज गया था और अब बज चुके हैं भाई 4 बज चुके हैं। मैं वहाँ से 1:30 बजे निकल लिया था और जितेंद्र भी अपने घर वापस चला गया था, तो भाई उसका थोड़ा घर से फ़ोन आ गया था। तो ये जो बुक्स है ना, मैं मतलब सही बताऊँ ना, अपने अकेले की बुक्स लेने गया था, मतलब वही 3-4 या 5 बुक्स होती, लेकिन सर का फ़ोन आया कि उन्होंने बोला कि भाई मतलब सबकी बुक्स उठा के लानी है मेरे को, मतलब 5 स्टूडेंट थे तो सबकी लानी है। एक बार मैं दिखाता हूँ भाई, ये देखो एक बार, ये जितनी सारी बुक है ना, ये सारी मतलब मैं ही लेके आया हूँ उसको भाई। और कैसे लेके आऊँ भाई, मेरे को ही पता है, सच्ची बता रहा हूँ। तो भाई सच्ची बताऊँ ना, मैं तो मान भी नहीं रहा था, मैं तो सर को बोल रहा था कि भाई मैं पहले अपनी लेके आता हूँ, वो जिन जिन के बच्चों की वो अपना उठा के लेके आ जाएंगे, लेकिन बस वो थोड़ा शरीफ बच्चा हूँ ना मैं, थोड़ा मान जाता हूँ जल्दी, इसलिए मैं मान गया ना, हो ना शरीफ। बाकी बस मैंने रहम कर ली, लेकिन जो जो बच्चे ना भाई, वो अपने किताबें खुद उठा के लेके आ जाया करो, दूसरों का भरोसा ना बैठा करो, ऐसा सही नहीं है। मैं ना लेकर आता फिर तुम लोगों को जाना पड़ता अंगूर खट्टे। तो भाई खाना मैंने अपना निकाल लिया है और भाई मैंने बताया था लंच में था ये खाना, और अभी मैं 4:30 खा रहा हूँ। तो एक बार एक नज़र दिखाता हूँ आपको अपने खाने की, और उसके बाद फिर सीधा शाम के टाइम मिलेंगे जब सर के पास जाऊँगा मैं। भाई 3 तरह की सब्जी है, आलू और ये सूखी आलू में और दाल में, और एक मिक्स वेज भी है, अगर पेट में जगह होंगी तो बाद में खा लेंगे, और चावल भी है। और कितनी है, कितनी पूड़ी थी, 8 है, 9 पूड़ी है भाई, ठीक है ना। अब इसको खाते हैं, फिनिश करते हैं, पेट में जगह होगी तो चावल और मिक्स वेज भी ले लेंगे, बाकी बस थोड़ा ही खाते हैं आज। 3 hours later. So guys, भाई शाम हो चुकी है, और जैसा कि मैंने शाम को बताया था कि शाम को मेरे को सर के पास जाना है, बुक्स दे के आनी है, जो जो बच्चों की बुक्स है, और अपनी मैं वहीं पे अलग करवा लूँगा, क्योंकि भाई सब मिक्स हो रखे हैं यहाँ पे फिलहाल अभी। और क्या हाल चाल है गुन्नू देवी? ठीक। और गुड, चश्मा नहीं हटा, बता के नहीं हटा, इसके तो जुबान नहीं निकलती भाई, कैमरा कट गया, आई मीन जुबान नहीं चलती। सो भाई बुक सारी ले ली है, और भाई ये वाले चेक करो कितनी सारी बुक्स हो गई यहाँ पे, और भाई डिक्की में भी 5-6 बुक्स पड़ी हैं, ये सारा फुल हो गया था। तो सर के पास जाऊँगा और वहाँ से अपनी बुक्स अलग करवा लूँगा, क्योंकि मेरे को नहीं पता कितनी बुक्स हैं मेरे भाई, नहीं पता सच्ची बता रहा हूँ मैं। तो अब चलते हैं फटाफट, अभी एक लड़के को बुलाया मैंने, वही अब मेरे ख्याल से अब स्कूटी के बीच में रख लेंगे, क्योंकि आगे ये सब बाहर आ रहा है ना, फिट नहीं हो पा रहा वो, तो अब एक लड़के का इंतज़ार कर रहा हूँ, मतलब यही है अंकल का लड़का है, तो और मैं जा रहे हैं, तो फिर आके मिलते हैं भाई। अरे सर को बताऊंगा यार कितना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, है ना भाई, पास करवा देंगे। पढ़ना भी पड़ता है क्या? मेरे को लगा पैसे देगा, काम चल जा। ओ सॉरी, ब्लॉग चल रहा है। ऑस्कर, ऑस्कर लो लो, जल्दी पढ़। बंदा हुआ सुबह से आज, ये खुलता ही। चले भाई घूम के, घुमा के ले आऊँ तेरे को। ऑस्कर कहा हुआ, चिपट जा, चिपट जा। ये क्या पूछ रही गुन्नू, कह रही जींस क्यों फाड़ दिया आपने अपनी, बोल रहा भैया का, क्या है ये भैया का पिंक कलर फेवरेट है क्या? मैंने कहा पिंक ही बन गए सारे, फैंस आ गए जरा, एक मिनट। 1 hour later. सो गाइस भाई फिलहाल सारा काम हो चुका है, एंड मैं बुक्स वगैरह सब दे के आ गया था सर को। और रही बात, अगर भाई टाइम दिख रहा होगा तो रात के 11 बजने वाले हैं, तो भाई इस व्लॉग को एंड करते हैं अभी, फिर एडिटिंग करके मैं थोड़ी सुबह के लिए छोड़ दूंगा, काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ, अब सोते हैं भाई, और इस व्लॉग को एंड करते हैं। व्लॉग अच्छा लगा होगा तो भाई लाइक कमेंट सब कुछ कर देना, एंड भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो भाई अपना मैंने लंच तो निकाल लिया, लंच का टाइम नहीं है वैसे था, बनना तो लंच में था। एक बार नज़र दिखाता हूँ आपको अपने लंच की, नज़र दिखाता हूँ, नज़र